नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को एग्जामिनेशन सेंटर उनके स्टेट से बाहर, उनके सिटी से बाहर हुए हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो रही है। अब इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है और वह यह है कि NTA ने एग्जामिनेशन सेंटर इंक्रीज कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को अपने स्टेट से बाहर ना जाना पड़े नीट 2019 के एग्ज़ाम देने के लिए। हम देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या डिटेल दी गई है। तो ये आर्टिकल में लिखा है, फॉर्मर एग्जाम सेंटर्स इन कश्मीर वैली टू अकोमोडेट 9,250 एस्पिरेंट। तो यहाँ पर बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के बारे में, जहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट को दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर की कमी हो रही है। तो यहाँ पर टोटल एस्पिरेंट जो है वो है 9,250 जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में। अब उनमें से जो एग्ज़ाम सेंटर ऑलरेडी अलॉट किए गए हैं वो है 5,750 स्टूडेंट को जम्मू एंड कश्मीर के सेंटर में मिला है, लेकिन जो 3,500 एस्पिरेंट हैं उनको स्टेट के बाहर दिल्ली या चंडीगढ़ में काफ़ी दूर एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए गए हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब अच्छी खबर यह है कि NTA ने यह बात सुन ली है और वह एडिशनल सेंटर वहाँ क्रिएट करने वाले हैं। 4 एडिशनल सेंटर अलॉटेड नाउ विल एकोमोडेट द रिमेनिंग 3,500 एस्पिरेंट सो दैट नन ऑफ दिस ईयर नीट एस्पिरेंट फ्रॉम द वैली हैव टू ट्रैवल आउटसाइड टू टेक द टेस्ट। तो यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि NTA है जो बदलाव कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर इंक्रीज हो रही है, हो सकता है दूसरे स्टेट में यह इम्प्लीमेंट किया जाए। फिलहाल जो है जम्मू एंड कश्मीर में एग्जामिनेशन सेंटर वह इंक्रीज कर दिए हैं। अब जितने भी स्टूडेंट को बाहर सीट अलाउड हुई थी वह अपना एडमिट कार्ड वापस डाउनलोड करें ताकि उनको पता चल सके कि उनका नया और अपडेट एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। तो इतने से खबर मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।